हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लक्ष्मी एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल लाइट हाउस अकेडमी, इजी वे ऑफ लर्निंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ और लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड टू अंडरस्टैंड इट आई ड्रॉ सिंपल डायग्राम हियर एंड दीज आर थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सो बिफोर एक्सप्लेनिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू दिस। फर्स्ट वन इज़ ऑल ऑफ यू नो कि इंसान ने स्पेस में वगैरह बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है एंड वी नो कि स्पेस में और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है और ये है वो है, यूनिवर्स है, ब्लैक होल्स है, वार्म होल्स है और क्या क्या सब चीज़ें पता कर ली है। बट देर आर वेरी फ्यू थिंग्स अवेलेबल और बहुत कम जानकारी हमारे पास है हमारे अर्थ के इंटेरियर में क्या है इसके बारे में। ओके, बिकॉज देर आर वेरी फ्यू सोर्सेज अवेलेबल रिलेटेड टू दैट एंड वन ऑफ देम इज़ नेचुरल डिज़ास्टर्स, जैसे अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से जो चीज़ें बाहर निकलती है उसको स्टडी करके हमें पता चलता है कि इंटेरियर में क्या है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सेकेंड, दैट इज़ ह्यूमन बींग, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी में, डेवलपमेंट में हमने डिगिंग करना या ड्रिलिंग करना या माइनिंग करना सीख लिया, उससे हमें पता चलता है कि ज़मीन के अंदर क्या है। बट यू नो वॉट, देर आर सो मैनी लिमिटेशंस। हम आज भी इतना डेवलप होने के बाद में हम बहुत लिमिटेड जानकारी हमारे पास में इसकी है। नेक्स्ट इज़ वेरिएशन इन नंबर्स, जैसे हम लोग इतनी विड्थ है, इतना ये है, हम ये सब देखेंगे तो इफ़ यू रेफर द बुक्स encyclopedias, you will find out that there are so many variation in numbers or strata. So don't worry about it. First of all, let's understand what are the layers of the earth or what is inside our earth. Okay, so let's start. So this is the diagram, this is the earth and this is the cut section and this is the layers of the earth, crust, mantle and core. First let's start with crust. Now crust is the topmost, uppermost layer of the earth and this is thinnest layer of the earth. Okay, next one, this crust is divided into two types. First one is continental crust and second one is oceanic crust. Continental crust and oceanic crust. Okay, now what is meant by continental crust and oceanic crust? All of you know the bifurcation of land and water on earth. That is 29% land and 71% water. The solid land, 29% land, that is on earth, that is called continental crust. And it mainly consists of silica and alumina. It mainly consists of silica and alumina. Now let's talk about the second type of crust, that is ओशनिक क्रस्ट। एंड ओशन के फ्लोर के अंदर जो ज़मीन है, ओशन के अंदर जो ज़मीन है उसको कहते हैं ओशनिक क्रस्ट। एंड इट मेनली कंसिस्ट ऑफ साइमा, सिलिका एंड मैग्नीजियम, सिलिका एंड मैग्नीजियम। सो दिस इज क्रस्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द विड्थ ऑफ द क्रस्ट? नाउ इफ वी कंपेयर अवर अर्थ विथ एप्पल, अर्थ को अगर हम एप्पल के साथ में कंपेयर करते हैं तो जैसे एप्पल के ऊपर उसकी पतली वाली परत होती है, वैसे ही है अर्थ के ऊपर क्रस्ट, थीनेस्ट लेयर, एज आई मेंशन, थीनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सो कहीं किसी जगह पे वो 35 किलोमीटर तक उसकी विड्थ है तो किसी जगह पे सिर्फ 5 किलोमीटर तक है। जैसे ओशियन में 5 किलोमीटर है तो अर्थ पे या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उसकी है 35 किलोमीटर तक। ओके, नेक्स्ट इज मैंटल, द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ एंड दैट इज मैंटल। सो इफ वी काउंट दिस थ्री लेयर्स एज 100% उसको काउंट करते हैं, सो क्रस्ट इज ओनली कंसिस्ट 1%, मैंटल कंसिस्ट 84% एंड कोर कंसिस्ट 15%। सो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज एक्चुअली कवर्ड बाय विच लेयर ऑफ द अर्थ? सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ एंड दैट इज मैंटल। ओके, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। व्हाट इज मीन बाय रेडियस? जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से अगर हम नीचे ज़मीन के अंदर जाना शुरू करते हैं और अर्थ के सेंटर तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा? 6371 किलोमीटर, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो उसमें से ओनली 35 किलोमीटर कहीं कहीं पे जगह पे क्रस्ट है, बट बाकी 85% इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ एंड दैट इज मैंटल। एंड इट इज़ इन सेमी सॉलिड स्टेट, यानी तार लाइक स्ट्रक्चर है जो हिलते रहता है एंड उसकी वजह से ज़मीन पे कभी कभी क्या आते हैं? अर्थक्वेक्स आते हैं और वोल्केनिक इरप्शन में वही बाहर निकलता है। ओके, मोल्टन मैग्मा जिसे कहते हैं, लावा जिसे कहते हैं। ओके, सो दिस इज
mantle, and this mantle is also divided into two types, upper mantle and lower mantle. Upper mantle and lower mantle. Now let's talk about the third layer and the innermost layer of the earth, and that is core. Now core is also divided into two, inner core and outer core. So inner core and outer core, this is in very hot because of high pressure and temperature. All the things, those who are there in center of the earth or in core, they are in molten state, and as well as the temperature of the core is equivalent to the surface of the sun. Okay, near about 8000 degrees Celsius. 8000 degrees Celsius is the temperature of the core, is equivalent to the surface of the sun. Okay, so this is the third layer of the earth, that is core. It is also divided into two types, that is inner core and outer core. So these are three layers of the earth. First one is crust. Crust is the thinnest layer. This is divided into two types, continental crust and oceanic crust. Then second layer is mantle. It is the it is divided into two types. First is upper mantle and lower mantle. It is in semi-solid state, star-like structure. Okay. And next one, third layer is core. It is also divided into two types, that is inner core and outer core. The temperature of the core is equivalent to the surface of the sun. So this is all about the interior of the earth. I hope you understand it. Thank you so much.